भारत तेजी से डिजिटल माध्यमों को अपनाता दिख रहा है। कोरोना के दौर में लोग कैश का इस्तेमाल करने से बचते दिखाई दे रहे हैं, जिससे डिजिटल ट्रांजेक्शन के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हो गई है। इसी को देखते हुए देश का परिवहन मंत्रालय भी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने या उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय गाड़ी में लगे फास्टैग की डिटेल लेने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वाहन पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यानी NETC को पूरी तरह जोड़ दिया गया है और ये 14 मई को API के साथ लाइव हुआ है। व्हीकल सिस्टम और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए फास्टैग पर सभी जानकारी हासिल कर रहा है। मंत्रालय ने नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करते समय और नेशनल परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय फास्टैग की डिटेल लेने के निर्देश दिए हैं। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि वाहन फास्टैग भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करता है या नहीं। आपको बता दें कि M&N क्लास की गाड़ियों को बेचते समय वाहनों में फास्टैग लगाना 2017 में अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि बैंक खाते के साथ जोड़ने या उन्हें सक्रिय किए जाने से अभी भी लोग बच रहे थे, जिसकी अब जांच की जाएगी। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर फास्टैग है क्या। दरअसल फास्टैग एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टैग है, जिसे वाहन की विंडशील्ड पर लगा दिया जाता है, जिससे गाड़ी जब टोल प्लाजा से गुजरे तो प्लाजा पर मौजूद सेंसर फास्टैग को रीड कर सके। वहां लगे उपकरण ऑटोमेटिक तरीके से टोल टैक्स की वसूली कर लेते हैं। फास्टैग की वजह से वाहन चालकों के समय की भी बचत होती है। इसके साथ ही मंत्रालय का मानना है कि फास्टैग के इस्तेमाल से टोल प्लाजा में कोरोना के प्रसार की संभावनाओं को भी कम करने में मदद मिलेगी।